राधे कृष्णा फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल डिवाइन दृष्टि में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। फ्रेंड्स, लाइफ में हम बहुत सारी जगहों पर जाते हैं, बहुत सारी जगहों को देखते हैं और उनके बारे में बहुत कुछ जानकारी ग्रहण करते हैं। बट यू नो, जो भी जानकारी हम ग्रहण करते हैं वो सुपरफिशियल होती है। जो उसकी तह की जानकारियाँ होती हैं वो हम नहीं जानते हैं। किसी ऐतिहासिक घटना की, या आप कहीं किसी ऐतिहासिक इमारत को देखने गए हैं तो उसके जो गर्भगृह की जानकारियाँ हैं, जो उसकी गूढ़ जानकारियाँ हैं, वो हम नहीं जानते हैं। आप सोच रहे होंगे आज मैं इसकी बातें कैसे कर रही हूँ। मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ महाभारत की एक गूढ़ जानकारी। जो महाभारत का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में 11 अक्षिणी सेना कौरवों की तरफ से थी और 7 अक्षिणी सेना पांडवों की तरफ से थी। तकरीबन 50 लाख लोग इस युद्ध में उन्होंने युद्ध किया था। और इस युद्ध में एक तो कृष्ण के भाई बलराम और दूसरा रुक्मी, इन दोनों ने युद्ध में भाग नहीं लिया था। पर दोस्तों, ये जानकारी अधूरी है। क्या आप जानते हैं इनके अलावा एक और भी थे जिन्होंने इसमें भाग नहीं लिया था? और दोस्तों, वो थे साउथ इंडिया में उडुपी, एक जगह है उडुपी शहर के राजा। वो उन्होंने भी महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया था। महाभारत का जो युद्ध हुआ था, इसको हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि चारों तरफ से राजा आए थे, या तो कौरवों का साथ देने और या पांडवों का साथ देने के लिए। वो चारों तरफ से आए थे और उन्होंने युद्ध किया था, तो हम इसको प्रथम विश्व युद्ध का नाम भी दे सकते हैं। फ्रेंड्स, इस युद्ध में दोनों तरफ, एक तरफ कौरव एक तरफ पांडव भाई थे। और जो उडुपी के महाराजा थे, उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि दो भाइयों के मध्य जो युद्ध हो रहा है वो उनको अच्छा नहीं लग रहा था। वो उसमें अपना सहभागी नहीं होना चाहते थे। उन्होंने सोचा, क्या ऐसा करूं कि जो मुझे इस युद्ध में पार्टिसिपेट ना करना पड़े। तो उन्होंने श्री कृष्ण के पास गए और श्री कृष्ण से बातचीत करने लगे। बोले, महाराज, आप में से किसी ने क्या ये सोचा है कि 50 लाख सैनिक योद्धा इस युद्ध में भाग ले रहे हैं, उनके खाने का क्या होगा? श्री कृष्ण ने कहा, हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं उडुपी के महाराज, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इतनी बड़ी सेना का खान पान या तो आप संभाल सकते हैं या भीम। भीम तो यहाँ रुकेंगे नहीं, वो तो युद्ध में हर हालत में भाग लेंगे। तो ठीक है, ये काम आप संभालिए। ठीक है, उन्होंने वो काम अपनी पूरी की पूरी सेना को ले लिया साथ में। और उन्होंने जो महाभारत के युद्ध में सेना भाग ले रही थी और भी उनका खाने पीने का इंतज़ाम उडुपी के महाराज ने संभाल लिया। दोस्तों, रोज़ युद्ध ख़त्म होता, सब लोग आते और खाने बैठते। और हैरानी की बात देखिए फ्रेंड्स, कि वो जो खाना वो लोग खाते थे, उसमें से ज़रा भी अन्न का दाना वेस्ट नहीं होता था। हर रोज़ बिल्कुल भी अन्न का एक दाना भी नहीं व्यर्थ जाता था। जितने लोग होते थे उतना ही खाना बनता था। खैर, महाभारत का युद्ध चला, युद्ध समाप्त हुआ। इसके बाद में युधिष्ठिर को सिंहासन पर विराजमान कराया गया और उनका राज्य तिलक हुआ। उस तिलक के बाद उन्होंने सबको प्रणाम वगैरह करके आशीर्वाद लिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि बस मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूँ। उडुपी के महाराज की तरफ मुखातिब होकर उन्होंने कहा कि मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, ज़रूर पूछिए, यदि मैं जानता हूँगा तो मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। युधिष्ठिर ने पूछा, एक बात बताइए महाराज, ये युद्ध चला, इसमें इतने सारे लोगों ने भाग लिया,
पर एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि आपका खाना थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा नहीं हुआ। ऐसे कैसे आपने किया कि रोज़ उतना ही खाना बना जितने की लोग आके खाने के लिए रहते थे, क्योंकि युद्ध में तो हज़ारों की संख्या में लोग मर जाते थे। तो महाराज ने कहा, मैं आपको जवाब दूँ, इसके पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। युधिष्ठिर ने कहा, हाँ जी ज़रूर पूछिए। तो उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो युद्ध हुआ धर्म और अधर्म, कौरव और पांडव के बीच में, इस युद्ध में आपको कैसे विजय प्राप्त हो गई? तो उन्होंने कहा, नहीं मुझे नहीं विजय प्राप्त हुई, ये तो श्री कृष्ण का प्रताप है कि हम विजयी हुए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि आप श्री कृष्ण के प्रताप से विजयी हुए, उसी तरह श्री कृष्ण के प्रताप से ही मैंने जो भी भोजन बनाया, न थोड़ा सा कम न थोड़ा सा ज़्यादा, जितनी ज़रूरत थी उतना भोजन बनता रहा। युधिष्ठिर ने कहा, चलिए ठीक है, पर आपने किया कैसे, आपको कैसे पता लग जाता था? उन्होंने कहा, बहुत ही सरल उपाय मैंने किया। मैं रोज़ रात में सोते समय श्री कृष्ण के टेंट में, जिसमें वो थे, उसमें गिनकर मूंगफली के दाने रख देता था, और सुबह जब वो मूंगफली के दाने में वापस लाता था तो मैं उनको फिर से गिन लेता था। मान लीजिए कि मैंने 50 दाने रखे, और उन 50 दानों में से यदि 30 दाने श्री कृष्ण ने खा लिए, इसका मतलब 30,000 लोग उस दिन के युद्ध में 30,000 लोग मारे जाएंगे, और 30,000 लोगों का खाना कम बनाना है। वाह, क्या गणित, क्या साइंस, सब फेल हमारे देश की विद्या के सामने। बोले, मैं रोज़ इसी हिसाब से करता था, जितने वो दाने कम होते थे उतने लोगों का खाना मैं कम बनाता गया, उसमें 50,000 और जोड़ देता था और उतने लोगों का खाना मैं कम बनाता गया, इसीलिए खाना कभी वेस्ट नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि हम हमेशा ऊपरी सतह के बारे में ही सारी जानकारियाँ और सब कुछ हासिल करते रहते हैं, हम गहरे में गोता नहीं लगाते हैं, हम कभी भी ऊपर ही ऊपर सब कुछ पता कर लेते हैं। आई थिंक हम में से बहुत सारे लोगों को ये महाभारत की इस बारे में पता नहीं था कि उडुपी के महाराज ने ऐसे भोजन बनाया था और वेस्ट भी नहीं हुआ था। फ्रेंड्स, इसीलिए मैं आपसे यही गुजारिश करूँगी, जब भी किसी भी बात के बारे में जानकारी लें तो प्लीज़ अधूरी जानकारी ना लें, उसके तह तक जाइए, सब कुछ पता कीजिए। और इसके साथ ही मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स दीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। सी यू सून।